मौसम के हवाले से खबर शामिल करें, आपको बताएं लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज कायम है। धुंध के बायस मोटरवे जुजवी बंद और परवाजों का शेड्यूल शदीद मुतासर है। शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा देखने में आया। दूसरी जानब महकमा मौसमियात ने धुंध और सर्दी में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी है। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में धुंध की वजह से निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है। धुंध अपने साथ मुतादिद मुश्किलात समेत सफरी मुश्किलात भी लाई। हद निगाह 50 मीटर कम हो जाने की वजह से मोटरवे को कई अहम मकामात पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ठोकर चूहुंग मोहनवाल के इलाके मांगा मंडी में शदीद कोहर के सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत जारी कर दी है। क्योंकि धुंध में कमी तक कई एयरपोर्ट से अंदरूने मुल्क परवाजें भी मंसूख कर दी गई हैं। मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ है। दुबई से आने वाली परवाज का रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया, जिसके बाद मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोधना, रुकनपुर, रहीम यार खान, भावल नगर, विहाड़ी और दिगर कई मकामात पर धुंध के बाद ट्रैफिक हादसात रोनुमा हुए। पंजाब और सिंध में मुख्तलिफ हादसात में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। शुजाबाद, हबीबाबाद, रिनाला खुर्द, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन के अलावा डीजी खान, चीचावतनी, कसोवाल, इकबाल नगर, मियाँ चन्नू में धुंध से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। तहम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में कोहर पड़ने का भी इम्कान है।